myself Alka and welcome to our excellence family. चलिए friend, start करते हैं हमारी आज की video जिसमें हम जानेंगे नियोजन की सीमाओं के बारे में. मतलब हम समझेंगे नियोजन के क्या दोष है. हम planning करके जो काम करते हैं तो उन कामों में विद्वानों ने क्या समस्याएं बताई है. अब वो समस्या तो हम इसकी detail से ही समझ पाएंगे. तो देखो इसकी detail क्या बोला गया है इसमें कि नियोजन का अत्यधिक महत्व होने के बाद भी कुछ विद्वान इसे समय और धन दोनों की बर्बादी समझते हैं. उनका मानना है कि नियोजन अनिश्चित एवं अस्थिर परिस्थितियों के आधार पर तैयार किया जाता है जो सदैव सत्य नहीं होता. अतः इनकी कुछ सीमाएं हैं. ये हमें बता रहे हैं कि आप जो प्लानिंग करते हो वो भविष्य को देखते हुए करते हो और भविष्य कैसा होता है, अनिश्चित होता है. तो भविष्य को देखते हुए आप अपने आज का जो समय खराब करते हो उसे समय खराब ना करो. इनका इशारा किस ओर है, क्या आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है तो मेरी बात सुनो. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब. आया समझ में. ये विद्वान हमको कहना चाह रहे हैं कि कल जिस काम को करोगे उसे आज ही कर लो ना. कल के लिए अपना आज का समय क्यों निकाल रहे हो. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इन्होंने अपनी क्या सीमाएं बताई है नियोजन को लेकर. कुछ पॉइंट्स से समझने का प्रयास करेंगे फ्रेंड्स. जैसे बताया गया है कि नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है, नियोजन रचनात्मकता को कम करता है, नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है, मतलब अनुशासन कायम रखता है कि बोला गया कि भाई काम ऐसे करना है तो ऐसे होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं वहाँ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है, वहाँ नौकरशाही को प्रोत्साहन मिलता है व्यवसाय में, है ना. नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है. कल इस काम को करेंगे, है ना, आज प्लानिंग कर ली, अब आश्वासन नहीं कि कल ये काम हो ही जाएगा. क्या पता कल कोई घटना घटित हो जाए, कल कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाए कि हम उस काम को अंजाम न दे पाए, है ना. इसलिए बोला गया कि नियोजन सफलता का आश्वासन मतलब आपको विश्वास नहीं दिलाता. परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं रहता. इन पॉइंट्स को अगर आपको समझना है तो उसकी डिटेल भी आपको जानना होगी. और डिटेल जानना है तो चलो मेरे साथ जहां हम इसकी डिटेल से इन पॉइंट्स को समझ लेते हैं. ठीक है ना फ्रेंड, तो एक एक करके समझेंगे. पहला है नियोजन समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया है. पहले तो इसका फायदा बता दिया, अब हमको नुकसान बता रहे. हम क्या करें, प्लानिंग करके काम करें या नहीं अपने ऐसे ही किसी भी तरीके से काम कर ले. बड़े असमंजस की स्थिति में आ गए तो ऐसी असमंजस की स्थिति हमारे माइंड में ना रहे, उसके लिए इसकी सीमाओं को पढ़ ले ताकि सीमाओं को देखते हुए प्लानिंग कर लेंगे, है ना फ्रेंड्स. तो देखो नियोजन एक खर्चीली प्रणाली है. खर्चीली पैसे लगेंगे भाई, क्योंकि इसमें योजना बनाने में बहुत समय और श्रम लगता है. इस कारण लागत में भी वृद्धि हो जाती है और कभी कभी तो नियोजन से मिलने वाले लाभ पर उस पर किए गए व्यय अपेक्षा क्या होते हैं, कम ही होते हैं. ये बोल रहा है नियोजन एक खर्चीली प्रणाली है. कभी कभी हम इसमें इतना पैसा लगा देते हैं कि इसमें लगने वाले पैसे के बराबर भी हमें पैसा प्राप्त नहीं होता, इसलिए नियोजन एक खर्चीली प्रणाली है. ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स इसमें, कि नियोजन रचनात्मकता को कम करता है. रचनात्मकता का मतलब है कि शीर्ष स्तर का प्रबंधक जो होता है वो जो काम देता है कर्मचारी को वही करना, तो कर्मचारी अपने विचारों को नहीं बता रहा है ना. तो ऐसे इसी वजह से कुछ नया नहीं हो पा रहा है. तो क्या हम इतनी सी बात को लेकर प्लानिंग करना छोड़ देंगे क्या. हम क्या करेंगे कि हमें मालूम है कि काम करवाने वाले से ज्यादा काम करने वाला जानता है, तो भाई उसके विचार शामिल करके योजना बना लेंगे, ये समस्या का समाधान हो गया, है ना फ्रेंड्स. तो देखो क्या लिखा है, नियोजन एक ऐसी क्रिया है जिसकी रचना शीर्ष स्तरीय प्रबंध के द्वारा की जाती है. बाकी संगठन इन योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं. शीर्ष स्तर ने योजना बना दी कि काम ऐसे नहीं ऐसे करना है, बाकी जो संगठन है मध्य स्तर है निम्न स्तर है वो काम को कर रहा है. तो अनुक्रमानुसार मध्य स्तरीय प्रबंध तथा अन्य निर्णायक गण न तो इसमें कोई विचलन करने के लिए अधिकृत होते हैं, विचलन मतलब परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होते हैं, और न ही आपकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए उन्हें अनुमति मिलती है.
ठीक है। इस तरह से बहुत सी पहल क्षमता सृजनात्मकता जो उनके अंदर छुपी हुई है दब कर रह जाती है कि वह उनके विचार है, कुछ उनके अंदर नए आइडिया हैं तो वो बताने से रह जाते हैं। अतः नियोजन की सृजनात्मकता कम हो जाती है क्योंकि कार्यकर्ता उसी तरह सोचना बंद कर देते हैं जैसा कि आम लोग समझते हैं और कुछ भी नया या नव प्रवर्तन नहीं होता है। अब देखते हैं फ्रेंड हम इसका थर्ड पॉइंट क्या लिखा है। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है। दृढ़ता का मतलब होता है अनुशासन के माध्यम से हम काम कराते हैं तो इसके नियम होते हैं ये कठोरता से पालन करवाया जाता है, ऐसा इसमें बताया गया है कि क्या बोल रहा है कि नियोजन में एक निश्चित मार्ग पर ही कार्य करना पड़ता है अर्थात कर्मचारियों को योजना के अनुरूप कार्य करने होते हैं जिसके कारण व्यक्तिगत रुचि और पहल शक्ति समाप्त हो जाती है। इस प्रकार नियोजन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। नियोजन दृढ़ता उत्पन्न करता है मतलब नियोजन से व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। व्यक्ति अपने तरीके से काम नहीं कर पाता, जैसा उसको ऑर्डर मिला वैसे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ व्यक्तियों की मानसिकता पर प्रभाव पड़ता है कि नौकरशाही को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला पॉइंट क्या दिया है इसमें कि नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं है। इसमें क्या समझाया गया है कि नियोजन भावी घटनाओं पर आधारित होता है और भावी घटनाएं अनिश्चित और परिवर्तनशील होती है। अतः जब भी कोई प्रबंधक किसी व्यावसायिक नियोजन के संबंध में पूर्वानुमान लगाता है तो उसे विभिन्न मान्यताओं का सहारा लेना पड़ता है जबकि ये मान्यता गलत भी हो सकती है। क्या बोल रहा है कि सफलता का आश्वासन नहीं, एक प्लानिंग को करके दो व्यक्ति लेते हैं, जैसे यहाँ पे ये है राम, ठीक है, इसने प्लानिंग करके बिजनेस किया और ये उस बिजनेस में सक्सेस हो गया, ठीक है। तो मोहन क्या सोचता है कि मैं भी राम से पूछूं कि भाई तूने क्या प्लानिंग करी थी और कैसे काम किया था। तो राम ने इसको प्लानिंग बता दी, अब मोहन उस प्लानिंग से काम कर रहा है, ठीक है। मतलब मैं इस बात को समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर ये बोला गया है कि हम प्लानिंग कर रहे हैं तो मान्यताओं को लेकर चलते हैं, किसी की बात को लेकर चलते हैं। तो भाई मोहन ने राम की बात सुनकर व्यापार किया तो अब क्या हुआ कि मोहन ने व्यापार में सफलता प्राप्त नहीं की क्योंकि समय और परिस्थितियां बदलती रहती है। हो सकता है राम के समय जो सिचुएशन थी वो मोहन के समय नहीं थी, तो इसलिए बोला गया है कि नियोजन सफलता का आश्वासन नहीं। मैं जिस तरीके से काम कर रही हूँ उस तरीके से आप काम करोगे तो हो सकता है आपको सफलता मिले या नहीं मिले और हो सकता है मुझसे ज़्यादा भी आपको सफलता मिल जाए। इसलिए बोला गया है कि नियोजन भविष्य पर आधारित होता है और हम प्लानिंग करते समय विभिन्न मान्यताओं को लेते हैं जो मान्यता हमारे लिए सही भी हो सकती है और गलत भी हो सकती है। एंड लास्ट पॉइंट है में फ्रेंड्स की परिवर्तनशील वातावरण में नियोजन प्रभावी नहीं होता कि वर्तमान युग में व्यापार उद्योग रुचि फैशन सरकारी नीतियां है ना आदि में इतनी तेजी से परिवर्तन हो रहे हैं कि उनके बारे में पूर्वानुमान लगाना अत्यंत कठिन है और उन कठिनाइयों का सामना करना भी बहुत महंगा है और कई बार इन परिवर्तनों के कारण तैयार की गई योजना व्यर्थ हो जाती है। परिवर्तनशील वातावरण, आज पग पग पर परिवर्तन हो रहे हैं तो उस परिवर्तनशील वातावरण में रहना और उसके अनुरूप रहकर काम करना बहुत ज़्यादा कठिन है। तो क्या फ्रेंड्स इसकी ये जो समस्या है इन समस्याओं से आप ये निर्णय लेते हो कि हमें प्लानिंग करके काम नहीं करना चाहिए? अगर आप इस निर्णय को लेकर प्लानिंग करना बंद कर देते हो तो
मेरी नज़र से ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि जो इंसिडेंट एक के साथ हुआ वो सभी के साथ हो जाए। हमें कल की ना सोचते हुए आज ही हमारे काम की शुरुआत करनी चाहिए और प्लानिंग से काम करना चाहिए। कल के लिए भी प्लानिंग करो और आज के लिए भी प्लानिंग करो, है ना। इन सीमाओं में जो दोष, ये जो सीमाएं, जो दोष बताई गई है, इनका समाधान है तो इनका समाधान खोजो और इसके आधार पर नए नए काम की शुरुआत करो। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर कोई भी पॉइंट में डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।